उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। बिल्कुल, और प्राची आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव पर इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। 66 सीटों पर भाजपा का कब्जा, यह आंकड़ा बढ़ गया है। लास्ट अपडेट 65 सीटों की थी, लेकिन अब बताएं ये आंकड़ा बढ़ चुका है। तो कुल मिला के जो बड़ी तस्वीर आ रही है, कांटे का मुकाबला कई सीटों पर था, लेकिन जब नतीजों की बारी आई है तो ये मुकाबला नतीजों में बदलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफा जीत कानपुर देहात की बात कर लीजिए, नीरज रानी को भाजपा का समर्थन मिल गया। तो कुल मिला के 65 से 66 सीट हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यह है कि 65 से 67 सीटें हो चुकी हैं, बढ़ चुका है, सीटें बढ़ चुकी हैं। पहले 65 सीटें थी, जो बढ़कर अब 67 हो चुकी हैं, यानी भाजपा ने 67 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर अब देखिए किस तरीके से साफ हो रही है, ये देखिए तस्वीर किस तरीके से साफ हो रही है। 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है, यानी एक बड़ी जीत यहां पर भाजपा ने हासिल की है, और तमाम जो विरोधी दल हैं उन्हें क्लीन स्वीप कर दिया है इस इलेक्शन में। लगातार इस इलेक्शन पर नजरें तमाम राजनीतिक दलों की बनी हुई थी, और जो अब ताजा आंकड़ा बढ़कर सामने आया है, जो ताजा अपडेट बढ़कर सामने आया है, 67 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी स्वप्निल वरुण को विजयी घोषित किया गया है। स्वप्निल वरुण को 25 वोट मिले हैं, जबकि सपा के राजू दिवाकर की आप बात करेंगे तो उन्हें सिर्फ 5 वोट मिले हैं। 2 वोट ऐसे हैं जो अवैध निकले हैं। स्वप्निल वरुण कौन है? पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की बेटी, और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ये जीत भी बड़ी है, संख्या देखिए आप। और चलिए कानपुर देहात में क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं। ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। निर्दलीय उम्मीदवार नीरज रानी जीती हैं। नीरज रानी होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार, जिन्हें भाजपा का समर्थन भी मिल गया है। निर्दलीय उम्मीदवार नीरज रानी को 26 वोट मिले हैं। सपा उम्मीदवार राम सिंह यादव को सिर्फ 5 वोट यहां पर मिले हैं। तो ये पूरा समीकरण कानपुर नगर सीट का है, कानपुर देहात सीट का है, माफ कीजिएगा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जिसे भाजपा का बाद में समर्थन भी मिला है। निर्दलीय उम्मीदवार नीरज रानी को 26 वोट मिले हैं, जबकि सपा उम्मीदवार को करारी शिकस्त यहां पर देखने को मिली है। सपा उम्मीदवार राम सिंह यादव को कुल 5 वोट मिले हैं। देखिए आंकड़ा जो है, फासला जो है वो बड़ा है, 26 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को और सपा प्रत्याशी को 5। आइए आपको लखनऊ की अपडेट देते हैं। लखनऊ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है भाजपा की आरती रावत। भाजपा प्रत्याशी आरती रावत को 14, जबकि सपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को 11 वोट मिले हैं। यानी यहां कांटे की टक्कर कही जा सकती है। अंतिम वक्त तक थोड़ा सस्पेंस जरूर बना रहा होगा, क्योंकि जो विजयी आरती रावत हैं उनके पास 14 वोट मिले, जबकि प्रत्याशी सपा की ओर से विजय लक्ष्मी हैं उनको 11 वोट मिले हैं। तो लखनऊ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से हंगामा और तमाम चीजों के बाद अब नतीजे जब सामने आए हैं तो ये भाजपा के पक्ष में जाते नजर आए हैं। लेकिन हाँ, मुकाबला जरूर था यहां भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच, क्योंकि जीत का अंतर आप देखिए, आरती रावत को 14 जबकि सपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को 11 वोट मिले हैं। कुल मिला के ये सीट भाजपा के खेमे में, आरती रावत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है। और लखीमपुर खीरी का भी आपको अपडेट देते हैं, यहां भी भाजपा का जलवा कायम है। भाजपा के ओपी भार्गव चुनाव जीते हैं, 4 वोटों से जीते हैं भाजपा के ओम प्रकाश भार्गव। ओपी भार्गव लखीमपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, यानी यहां भी जो विरोधी दल है उसे शिकस्त दी है, लेकिन सिर्फ 4 वोटों से जीते हैं, यानी मुकाबला टक्कर का रहा है, मुकाबला कांटे का रहा है, और भाजपा प्रत्याशी ओपी भार्गव जीत गए हैं। ओपी भार्गव लखीमपुर खीरी, लखीमपुर से आपको बता दें जिला
पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर 67 सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में कर ली हैं। 67 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया है जीत का। 75 में से 67 जीते, यानी कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। फिलहाल लखीमपुर खीरी का ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा का जलवा कायम है। भाजपा के ओपी भार्गव चुनाव जीते हैं 4 वोटों से। भाजपा के ओम प्रकाश भार्गव ने जीत हासिल की। आइए हरदोई की बात कर लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने सपा को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमवती यहां विजयी घोषित हुई है। प्रेमवती को 65 मत मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी मुन्नी देवी को 6 और 59 मतों से यहां बीजेपी ने सपा को हराया है। भाजपाइयों में जाहिर तौर पर जश्न का माहौल है, सपा खेमे में मायूसी है। सपा के 7 जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा को अपना मत दिया, तो कुल मिलाकर यहां पूरी तस्वीर बदलती चली गई, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। तो मायूसी सपा के हाथ और भाजपा खेमे में जीत का जश्न। हरदोई की ये तस्वीर है, जहां ये बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से 7 ऐसे जिला पंचायत सदस्य थे सपा के, जिन्होंने भाजपा को अपना मत दे दिया, और कुल मिलाकर बड़ी जीत भाजपा के हाथ आती हुई। प्रेमवती विजयी घोषित हुई है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। हरदोई की यह तस्वीर है, जो भाजपा के लिए कुल मिलाकर यहां सपा के लिए मायूसी, क्योंकि अपनों ने भी साथ नहीं दिया है। 7 जिला पंचायत सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो भाजपा की प्रेमवती और भाजपा खेमे की आप बात करेंगे तो इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि जीत का अंतर भी काफी है और पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है हरदोई से, जहां ये सपा के लिए मायूसी भरा हो सकता है कि अपनों ने भी पूरा साथ नहीं दिया है। यहां पर भी तस्वीर बदल गई है और जो नतीजे निकले हैं वहां पर कांटे की टक्कर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतर है वो काफी है। भाजपा की प्रेमवती को 65 वोट मिले हैं और मुन्नी देवी सिर्फ 6 वोट पर हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि सपा से क्रॉस वोटिंग भी हुई है एंड मोमेंट पर। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अगर एक एक करके तमाम सीटों की ओर आप जाएंगे तो जहां कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, दिलचस्प मुकाबले देखे जा रहे थे, वहां पे नतीजे एक तरफे निकल के आ रहे हैं। जहां पे अभी आप देखिए आपके सामने ये जो सीट है, यहां पर भी मुकाबला एक तरफा ही कहा जा सकता है, जिस तरीके से दावे दे, जिस तरीके की तस्वीरें थी, हंगामा थी, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है, नतीजों की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं यहां भाजपा एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देती है। पूरे बड़े पिक्चर की बात करते हैं, वहां पे भी 67 सीटों के साथ, और अगर अलग अलग आप सीटों की ओर जाते हैं तो वहां पर भी कई जगह भीतरघात सपा के लिए स्थिति देखी गई है। सामने जो सीट है यहां पर भी यही है, अपने साथ नहीं देते हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है हरदोई में भी। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि टैली बदल चुकी है और भाजपा के खाते में 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे परिणाम एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में जाते हुए, 75 में से 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आंकड़ा बढ़ गया है भाजपा की सीटों का, भाजपा और सहयोगियों की जीत का आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया है, यानी 67 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। भदोही में निर्दलीय अनिरुद्ध त्रिपाठी को भी भाजपा का समर्थन मिल गया है और यही वजह है कि सीटें बढ़कर 67 हो गई हैं। कानपुर देहात में भी नीरज रानी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें भी भाजपा का समर्थन मिल गया है और यही वजह है कि बढ़कर सीटें 67 हो गई हैं। 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। कुल 75 सीटें हैं, जिनमें से 67 सीटों पर, यानी एक तरफा इन नतीजों को कहा जा सकता है, क्योंकि 67 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 पर सिमट कर रह गई है। भदोही से भी यही तस्वीर, कानपुर देहात से भी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाए थे, जहां नीरज रानी को बीजेपी का समर्थन मिल जाता है। निर्दलीय उम्मीदवार थी, लेकिन जब विजय तिलक इनके माथे पर होता है तो अब ये बीजेपी खेमे में पहुंच चुकी है, क्योंकि बीजेपी का समर्थन इनको मिल चुका है। बीजेपी ने दोनों पर औपचारिक दावे भी किए थे। अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी 65+2 67, ये है नया आंकड़ा।
कि किस तरीके से आज दोपहर 3 बजे तक वोटिंग तक कैसी तस्वीरें आई, जहां जगह जगह हंगामा, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। देखिए किस तरीके से जश्न की तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। एक दो नहीं 67 ऐसी सीटें हैं जहां से ऐसी ही तस्वीरें आएंगी भाजपा के पक्ष जीत के जश्न की। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से और नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर बात करें वाराणसी की, तो ना सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं भाजपा ने वहां पर कब्जा किया है, क्लीन स्वीप कर दिया है पूरी तरीके से। आवाज मिल पा रही है नीतीश जी? सवाल एक बार और दोहरा दें नीतीश। सवाल यह है कि भाजपा का जलवा कायम रहा है वाराणसी में भी और उसके आसपास के इलाकों में भी। वाराणसी में तो निर्विरोध चुन लिए गए थे प्रत्याशी, लेकिन आसपास के जो जिले हैं उस पर भी भाजपा ने कब्जा किया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से इस पूरे जिला पंचायत के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, एक समय वो भी था जब हम लोगों ने खबरें दिखाई थी कि समाजवादी पार्टी का जलवा पूरी तरह से कायम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर विजय हासिल किया, चाहे वो गाजीपुर की सीट हो, मऊ की सीट हो, इसके साथ ही अगर बात करें तो चंदौली, भदोही, इसके और ये सारे जिले, अगर बात करें पूरब के खासतौर पर, अगर जिलों पर हम फोकस करें तो इन सारे जिलों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि आजमगढ़ और बलिया की सीट को अगर खासतौर पर फोकस किया जाए तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। एक तरफ अगर आजमगढ़ की सीट की बात करें तो आजमगढ़ की सीट 10 उसके पास थे, लेकिन 5 जो भाजपा के जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने भाजपा को वोट ही नहीं किया, यानी 5 दूसरे के खाते में चले गए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, स्थानीय स्तर के जो संगठन के लोग हैं, उनमें कमियां साफ तौर पर देखने में आई है। ऐसी स्थिति अगर बात करें तो बलिया में भी देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पर मंत्री हैं, पुराण कहे कि विधायक, जो कि लगातार अपने बयान देते रहते हैं, और बीते दिनों जिस तरह की स्थितियाँ सामने आई, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को हैक कर लिया है, क्या इस स्थिति में कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों का हल नहीं तलाशा जाना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं और देखना ये होगा कि क्या इस हार से, बलिया और आजमगढ़ की हार से आगे सबक भी लेते हैं बीजेपी के लोग, या फिर आगे और भी कोई नई रणनीति तैयार होती है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है पूरब में, पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा जिला पंचायत की सीटों पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल नीतीश, ये पूर्वांचल के दो जगह से, बलिया आजमगढ़ से जिस तरीके की तस्वीरें आई है मंथन का विषय हो सकती है, लेकिन ब्रज क्षेत्र की बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, इसीलिए नितिन आपका रुख करेंगे, जहां पर ये अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि किसान आंदोलन यहीं से पनपा है, बहुत सारी चीजें वहां पे बिखरी पड़ी थी, लेकिन अगर उस पूरे क्षेत्र को आप देखते हैं जहां है, आप पूरे ब्रज क्षेत्र को देखते हैं, किस तरीके की बड़ी तस्वीर निकल के आई? देखिए स्नेहलता, देखिए जिस तरीके से 2 मई से लेकर 5 मई तक जब नतीजे आ रहे थे और उसका जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि जो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जीते हैं और बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक गई थी, और इसमें कहा जा रहा था कि इसके पीछे किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही है, इसके साथ ही COVID-2 में जिस तरह से लोगों को इलाज नहीं मिला उसका जनाक्रोश रहा होगा और नतीजों में ये सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होता नजर आया। लेकिन जो पूरा कहा जाए, अध्यक्ष का चुनाव सीधे सीधे धनबल बाहुबल का होता है, मैनेजमेंट का चुनाव होता है, और ऐसे में अगर ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले आते हैं और 12 जिलों में से एटा छोड़कर 11 जिलों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। और किस तरीके से, हमारे साथ इसके लिए एनालिसिस करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ जी हैं। सर, ये बड़ी जीत है आपकी, 67 सीटें, 2015 में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, तो किस, एक तो बड़ी जीत है लेकिन एक कसक भी है कि जहां हम खड़े हैं वहां आप लोग लूज कर गए। सर, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पंचायत के चुनाव में पहली बार गंभीरता से हमने भाग लिया और ये जो 67 सीटों पर जो प्रचंड विजय प्राप्त की है, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का
अपनी पार्टी के सारे नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। सर, ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी शहरी वोटरों की पार्टी है, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं तक आपने पहुंच बनाई। हमारे विरोधी मित्र बोलते हैं ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, 90% जो है हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इस चुनाव ने पूरी तरीके से ये सिद्ध कर दिया है कि 67 सीटें जीत करके के ग्रामीण उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। क्या लगता है कि सर ये कहीं ना कहीं आपका मोरल अप करेगा? 2022 में आप विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ महीने ही बचे हैं। देखिए, जिस तरीके की अब नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 67 सीटों पर भाजपा और सहयोगियों ने जीत हासिल की है। 65 सीटों पर भाजपा जीती थी। 2 ऐसी सीटें रही जहां निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा ने समर्थन दिया था और इसका औपचारिक ऐलान भी भाजपा की तरफ से कर दिया गया है। कानपुर देहात में नीरज रानी को भाजपा का समर्थन मिला है। कानपुर देहात वो सीट जहां पर नीरज रानी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की थी, उन्हें भाजपा ने समर्थन दे दिया है और इस बात का ऐलान औपचारिक तौर पर भाजपा की तरफ से कर दिया गया है। और इसीलिए जो आंकड़ा है वो बढ़कर हो गया है 67, यानी 67 जिलों पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की है। बड़ी कवरेज, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और पल पल की अपडेट्स, पल पल की ब्रेकिंग हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं कि अब जब नतीजे आ रहे हैं तो क्या तस्वीर निकल के आ रही है वो आपके सामने है। सीटों का आंकड़ा आपके सामने है, जो कांटे की टक्कर हम बता रहे थे कि आज चुनाव से पहले देखी जाएगी। नतीजे वैसे नहीं बदले हैं क्योंकि जो जीत है भाजपा की वो एक तरफा होती दिख रही है। साफ तौर पे देखिए, 67 सीटें जहां 65 तो सीटें आ ही गई हैं। 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, तो कुल मिला के उनको समर्थन मिल चुका है। तो अब जो आंकड़ा आता है वो है 67 का। ये एक तरफा जीत कही जाएगी क्योंकि जो बचता बाकी है उसी में अन्य और सपा पार्टी आती है, जबकि कांटे की टक्कर आज चुनाव से पहले देखी जा रही थी कि जहां सीटों के आधार पर, सदस्यों के आधार पर हम कह रहे थे कि यहां कांटे की टक्कर है, लेकिन अब जब नतीजे हमारे आपके सामने हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर एक तरफा जीत ही मिली है, कई कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हर एक सीट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, देखिए बात अगर पूर्वांचल की कर लें तो समझ में आ रहा है कि पूर्वांचल में जो मैजिक है बीजेपी का वो पूरी तरीके से चल गया है। आजमगढ़ और बलिया को अगर छोड़ दिया जाए, क्या फैक्टर्स लगते हैं आपको कि आजमगढ़ और बलिया में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को? जनता, अगर सच बता दूं तो ये पूरा जो चुनाव है वो मैनेजमेंट का चुनाव, जैसा कि पहले भी हमारे साथियों ने बताया है कि ये पूरा जो चुनाव है वो जो पार्टी स्तर का मैनेजमेंट होता है उसका चुनाव होता है। अब अगर हार हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की कमी है वो साफ तौर पर देखने में आई है। क्या कर रहे थे विधायक, क्या कर रहे थे मंत्री और क्या कर रहा था बलिया का संगठन, क्या कर रहा था आजमगढ़ का संगठन, ये सारे सवाल हैं। क्या स्थानीय स्तर पर आप मैनेज नहीं कर पाए? स्थानीय स्तर पर आप उन जो जिला पंचायत सदस्य हैं जो दूसरे पक्ष में चले गए, आप उनको जोड़ने में नाकामयाब हो गए? क्या निर्दलों पर जो भरोसा किया जा रहा था वो निर्दल आपके भरोसे में नहीं आ सके? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब संगठन और उन मंत्री और विधायकों को देना ही होगा जो हारे हुए क्षेत्रों से हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जहां जीते हुए क्षेत्र हैं वहां पर कोई बहुत बड़ा मैजिक सामने अगर दूसरे पक्ष से देखें तो वो नहीं कह सकते, किसी ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से हम लोग एक समय कहते थे कि ये संभावना हो सकती है कि ये जो सीटें हैं इस पर फेरबदल हो जाए, लेकिन फेरबदल किस क्षेत्र में हुआ? फेरबदल जो सबसे बड़ा हुआ वो बीजेपी के खाते में सीटें चली गई। तो कहीं ना कहीं संगठन के लेवल पर मेहनत हुई है, ये मेहनत का नतीजा है। उन क्षेत्रों के लोगों ने, उन क्षेत्र के विधायकों ने, उन क्षेत्र के संगठन के लोगों ने उस तरह की मेहनत की है और उन जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ा है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति इस पूरे चुनाव में हावी रही और इसके साथ ही जिन्होंने जोड़ तोड़ नहीं किया, जिन्होंने काम चोरी की, उन्होंने हार का मुंह देखा है और इसका जवाब उन्हें निश्चित तौर पर आगे देना होगा। स्नेहलता, बिल्कुल नीतीश, तो ये अब जवाबदेही भी तय होगी, हार जीत का आकलन होगा, जीत का सहरा है तो हार के कांटों का ताज भी पहनना पड़ेगा।
बिल्कुल आपका शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए।